हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ट्यूबेक्टॉमी, जिसे हिंदी में हम महिला नसबंदी कहते हैं। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वैसेक्टॉमी पढ़ाया था, जिसे हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझते हैं कि आखिर महिला नसबंदी किसे कहते हैं और इसे कराने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि महिला नसबंदी कराने के बाद जो फीमेल की में जो पीरियड्स होते हैं वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। लिखा हुआ है, ट्यूबेक्टॉमी इज ऑल्सो नोन एज अ ट्यूबल स्टरलाइजेशन। ये ट्यूबेक्टॉमी को हम ट्यूबल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं और इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन। और ये एक परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का महिलाओं में। तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन दोनों में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है निरोधक, कि किस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, और कॉन्सेप्शन मतलब क्या होता है कि कैसे हम प्रेगनेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी करने वाले तरीके को बोलते हैं हम कंसेप्शन, और प्रेगनेंसी को अवॉइड करना क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन होता है। तो जो महिला नसबंदी है वो क्या है, एक परमानेंट तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन का इन वुमेन। ठीक है, अब देखो आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा। अभी आप सोच रहे होगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ये बाकी के डायग्राम से तो अलग है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपको ये ट्यूब दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब। और इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, इस फिलोपियन ट्यूब को कट करके सील कर दिया है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी में होता क्या है कि जो फिलोपियन ट्यूब होता है ना, इसे कट करके सील कर दिया जाता है। अब बताओ एग कौन रिलीज करता है, ओवरी। फीमेल के पास दो ओवरी होती है, पहली और दूसरी। ठीक है, तो ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, साथ साथ जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं उससे भी रिलीज करती है। तो फीमेल एग मान लो रिलीज हुआ, मैच्योर होकर एग रिलीज हुआ ओवरी से, और ओवरी से होते हुए कहाँ पे है, फिलोपियन ट्यूब में आया आया आया। अब यहाँ से तो क्या हुआ, सील हो चुका है। अब इसके आगे तो एग आ ही नहीं पा रहा है ना, तो जब इसके आगे एग ही नहीं आ पा रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ भी है और बॉडी के अंदर अगर स्पर्म ने एंट्री मार भी ली है, तो उसके बावजूद यहाँ से तो मान लो एंटर करेगा स्पर्म, जाएगा जाएगा फिर यहाँ पे फिर से दीवार आ गई बीच में। तो स्पर्म अगर बॉडी के अंदर आ भी गया है तो भी जाकर ये एग से नहीं मिल पाएगा, और अगर ओवरी से मैच्योर होकर एग निकल भी गया है उसके बावजूद भी ये जाकर स्पर्म से नहीं मिल पाएगा। तो जब एग और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो बेबी कैसे बनेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं। आई बात समझ में आपको? अब देखो आगे लिखा हुआ है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, कि घर में तो कोई नहीं कर सकता ना कि मेरे को अपने फिलोपियन ट्यूब को सील कर लेना है, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये कौन सा प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस है। उसके आगे लिखा हुआ है, That block the fallopian tubes, thereby preventing the egg released by the ovary from reaching the uterus. ठीक है, कह रहा है कि ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को सील कर देते हैं, जिससे कि जो ओवरी है वो एग तो रिलीज करती है बट वो जाकर स्पर्म से नहीं मिल पाती, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब आगे से क्या हो चुकी है, सील हो चुकी है। तो आप अपने माइंड में किसी तरीके का मिथ मत रखना कि ओवरी जो है वो एग रिलीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ओवरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो ओवरी है वो एग भी रिलीज़ करेगी, वो अपना हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करेगी, बस जो एग है वो जाकर स्पर्म से मिल नहीं पाएगा क्योंकि फिलोपियन ट्यूब सील है। और उसके साथ साथ अब आप ये भी सोचोगे कि एग रिलीज़ करेगी, एग क्या यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा? नहीं ना, यहाँ पे कोई स्टोर बॉक्स थोड़ी है। तो एग रिलीज़ करेगी ओवरी, बट जो एग होगा वो मर जाएगा और वापस से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एग कहीं पे स्टोर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर द प्रोसीजर यू विल हैव पीरियड्स एंड सेक्स नॉर्मली। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि यार ओवरी से तो एग रिलीज़ हो रहा है, एग पहुँच नहीं पा रहा, दुनिया भर की जो भी तमाम सी बातें आपके मन में आ रही होंगी, तो क्या हमारे पीरियड्स में भी कोई दिक्कत आएगा? तो इसका आंसर है साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में, नो। आपके पीरियड्स पर नसबंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके पीरियड्स जैसे पहले होते थे वैसे बिल्कुल नॉर्मली ही होंगे। आप खुद सोचो पीरियड्स कैसे होते हैं, ये जो आपको वॉल दिख रही है यूटरस की, एंडोमेट्रियम, यही तो शेड होती है क्योंकि ये बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब बेबी नहीं है तो यूटरस क्या होगा, यूटरस की लाइनिंग क्या होंगी, शेड हो जाएंगी। तो पीरियड्स तो आपको नेचुरली होंगे ही ना, पीरियड्स पर आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था
कि इसके क्या दुष्परिणाम क्या क्या होंगे। तो देखो ऐसे कुछ मेजर दिक्कत तो नहीं है, बट सबसे पहला जो इसका दिक्कत इसमें है वो क्या है, ये परमानेंट है। आप बाद में चाहकर इसको वापस से रिकवर नहीं कर सकते हो, कि आप चाहो बाद में कि अरे यार नहीं मेरे को डिसीजन चेंज करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ी बहुत इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरी चीज़ आपको कुछ ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, वैसे तो ये बहुत बड़ा सर्जिकल वो चीज़ नहीं है, 30 मिनट to 45 मिनट में आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।